ये काम करते करते फट गया, यहाँ से पूरा सिलाई करना पड़ेगा अभी। गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं आ रहा था क्योंकि लाइफ जो है ना थोड़ा डिसबैलेंस हो चुका है, कुछ भी स्टेबल नहीं है जिसके चलते मैं वीडियोस में कंसंट्रेट भी नहीं कर पा रहा हूँ। और मतलब एक टाइम के लिए ये भी सोचा कि यूट्यूब को क्विट करता है ना, अभी नहीं होगा यूट्यूब से, थोड़ा करियर में फोकस करता हूँ। बट एक टाइम के लिए ये भी सोचा कि अभी क्विट कर देगा तो फेलियर करूँगा, 3 साल से मेहनत करके आप लोगों को मैं से 1000+ सब्सक्राइबर गेन किया, तो अभी अगर क्विट कर दूंगा मतलब फेलियर ही कहलाऊंगा ना। देन ये प्लान भी कैंसिल कर दिया। देन अभी क्या बताओ यार, सबका लाइफ में प्रॉब्लम होता है, मेरा भी चल रहा है। ये सब बातों को रखते हैं साइड में, पुरानी बातों में मिट्टी डालो यार। आज का वीडियो का टॉपिक आप लोगों को पता ही चल गया टाइटल थंबनेल देख के। हाँ, हम लोग आज करने वाले हैं अपना डीओ में टायर अगर इंस्टॉल, और देखा है कैसे इंस्टॉल करना है, क्या क्या सामान का जरूरत है आप लोगों को पता चलेगा। शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम और आप लोगों को दिखाते हैं क्या क्या चीज़ का जरूरत है। जैसे यहाँ पे सारा का सारा सामान बिखरा हुआ है, आप देख सकते हो सारा का सारा काम चल रहा है यहाँ पे। बस यहाँ पे टायर चक्का वक्का खोल के रखा है, एंड जो पहला बार स्टॉक मार्कर था जो टायर रखा था उसको भी निकाल दिया, इसको तो काटा हुआ आप लोगों को वीडियो देख लिया, अगर नहीं देखा तो इसके भी बॉक्स प्राइवेट में लिंक देंगे, इसका काटने का भी देख लेना वीडियो कैसे काटा मैंने और किस रीजन से काटा खुला नहीं। हम लोग जिसमें इस बार टायर अगर बनाएंगे वो भी इससे बनाएंगे, ये पल्सर 150 का टायर अगर है, 150 180 में ये सब अगर आता है अगर आपको, तो इसको काट कूट के मतलब जुगाड़ करके इसको हम लोग टायर अगर लुक देने वाले हैं। इसके लिए आपको इस टाइप का क्लैंप चाहिए होगा जो कि मैंने पहले इसको बना के रखा था, थोड़ा जिगजैग शेप टाइप में, थोड़ा डिफरेंट शेप में, यू शेप में। तो एक साइड से क्योंकि डीओ का इंजन एक साइड से होता है, एक साइड से हम लोग इसको क्लैंप लगाएंगे, एंड इसको थोड़ा मॉडिफिकेशन करना है वो भी दिखाऊंगा आपको कैसे करना है। पहले आप एक क्लैंप को देख लो, कुछ इस तरीके का क्लैंप है। चलो अभी शुरू करते हैं इसमें फिटिंग करना है, कैसे फिटिंग करना है कैसे नहीं करना है। चलो तो जो पहले का जो ये क्लैंप था ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से सस्पेंशन का बोल्ट से कनेक्ट किया था, बट उसमें क्या हो रहा था ना, सस्पेंशन जब जंप करता है तो ये जंप जब करता है तो ये लूज़ हो जाता है या फिर मड़गाट हिल जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है। तो इस पहले हम लोग इस बार इसके एयर फिल्टर का जो बॉक्स है तो यहाँ पर एक बोल्ट लगता है, तो इसमें हम लोग अटैच करके देने वाले हैं क्योंकि ये हिलेगा नहीं, एक जगह में स्टेबल रहेगा। ये क्या होता है, हिलता रहता है, जंप करता है तो हिलता है, तो इसको नट लूज होता है, इसमें तो हिलेगा नहीं, तो इस बार हम लोग इससे लाइक कुछ इस तरीके से यहाँ से ला के इस टाइप का ऐसा ला के हम लोग यहाँ पे मड़गर बनाए होंगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा you give
You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me alone. भाई का हाथ भी छिल चुका है, पूरा खूने खून हो गया, पूरा ब्लड मनी हो गया पूरा। तो सेफ्टी लेके काम करो, मोबाइल में भी खून लग गया पूरा। अभी आएगा प्रोसीजर जारी करते हैं हम लोग, कि पता ही हर वीडियो में शाम होता है, अभी ऊपर में शाम हो रहा है धीरे धीरे, इसको फटाफट से ख़त्म करते हैं। तो कैसे हम लोग का टायर अगर बन के बिल्कुल तैयार है, मैं दिखा रहा हूँ किस तरह का लुक दे रहा है, मतलब काफ़ी बवाल लग रहा है एंड पहले से ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आप देखो अभी कैसा है टायर, अगर आप देख सकते हो ये टायर अगर अपना, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये, मतलब पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पहले क्या था, क्या पहले इस बोल का हाथ कनेक्ट था, इसके साथ ये फिल्टर का जो बॉक्स, फिल्टर बॉक्स का जो पहला नट है ये 10 नंबर, ये वाला 10 mm, तो इसको हम लोग थोड़ा लंबा नट लगा के इसमें कनेक्ट कर दिया। एंड इसको सपोर्ट देने के लिए यहाँ से अपना ईयर बॉक्स है, एक बोल्ट इसमें सपोर्ट कर दिया। एंड अब देख सकते हो ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। पहले का, पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पहले का थोड़ा मूवमेंट मतलब हिलता था, अभी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड गाड़ी बहुत गंदा है, उसके लिए माइंड मत करना, क्योंकि हम लोग पहाड़ में रहते हैं ना, तो मतलब डेली यूज में गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। मैंने जो यूज़ किया प्लेट, ये जैसे कि मैंने बताया ड्यूक 200 का, BS3 का, जो मोटर का लास्ट वाला पोर्शन एंड वाला, उसको कनेक्ट किया एक तरफ, एंड दूसरा एक दो पीस लिया, एक नीचे लगाया एक ऊपर लगाया। इधर से देखो आप, एक पीस हो गया, इसको कट कर दिया थोड़ा आधा में, एंड और एक पीस यहाँ पे है, इसको भी कट कर दिया हम लोगों ने। क्लैंप को देख सकते हो आप, बहुत बनाने में थोड़ा मुश्किल है, बट आप कोई लोहार का पास जाओ तो इजीली बना देगा वो इस शेप में। इनका ध्यान रखें, जब भी आप गियर बॉक्स में लगाए तो एक स्पेसर दे के लगाना, कुछ इस तरह का स्पेसर, ताकि गियर बॉक्स में अच्छा सपोर्ट मिले, ऑयल लीकेज ना करे। लास्ट टाइम का मैंने लगाया था, एक ऑयल लीकेज करा था, बट अभी ठीक है। वैसे ये मोटिवेशन कैसा लगा आप लोगों को जरूर कमेंट करके बताना, या फिर इंस्टाग्राम फॉलो करके मैसेज कर सकते हो आप, मैसेज करके जरूर बताना कैसा है, किस तरह का लगा रहा है, और बाकी ये जो तरीका है कारीगर है कि नहीं ये आप लोग थोड़ा सजेस्ट करना। कल काम करते करते अंधेरा हो चुका था, मतलब आजकल जल्दी अंधेरा होता है ना, तो फिर ये आज नेक्स्ट डे सुबह, आज सुबह बना रहा वीडियो। मेरा एक सेकेंड चैनल भी है, उसमें भी अपना थोड़ा प्यार और सपोर्ट करना, जो मेरा ब्लॉगिंग चैनल है, अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर नए एक इवेंट के साथ, नए वीडियो के साथ।